कोई शर्म तो आजा होना चाहिए था हुकूमत कोई जरिए जिन्हें शर्म नहीं एक 1,000 रुपया से दिहाड़ी कमाने बाल बच्चे की रोजी पूरी करिए कि इन्होंने बिल भी पूरे करिए बापटा की खुली बदमाशी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट मुनीर अहमद वटू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फोकस पाकिस्तान। जिस तरह के हुकूमत पाकिस्तान से महंगाई की वजह से हर गरीब गरीब से गरीब होता जा रहा है, आज हमारे साथ वो गरीब जिनको घरेलू बिल इतने ज़्यादा आए हैं कि उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं, वो घर के अखराजात बर्दाश्त करें या वो बिजली का बिल जमा करवाएं, वो आदमी जिसके घर की रोज़ी रोटी 1,000 रुपये है, अगर 1,000 रुपया वो एक दिन का कमाता है, वो अगर उसको महीने का बिल 50,000 आता है तो वो कैसे अदा करेगा। आज मेरे साथ शहर बसीरपुर नवाई गाँव मड़ा शरीफ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि बिजली के इजाफी बिलों की वजह से आज सड़कों पर निकले हैं और उनका यही कहना है कि वापडा की तरफ से ये जो टैक्स हमें दिए गए हैं और डाले गए हम बिजली के बिल जमा नहीं करवाएंगे। बाकी की दास्तान जानते हैं, जो बिल आए इनमें आपको कितना बिल आया, कितने यूनिट थे और बिल क्या इजाफी आया है? भाईजान वेखो ना कि सानू 21,500 रुपया बिल आया है। मैं गरीब बंदा मेहनत करने वाला 1,000 रुपया दिहाड़ी कमावन वाला, मैनू 21,000 बिल आया पे, मैं किस तरह भरा दे बच्चों की रोजी पूरी करा के बिल भरा के स्कूलों के फीसा भरा की करा, इन्ने इन्ने बिल आए पे ने असी किस तरह भरीए। ये वज़ीरे आज़म पाकिस्तान या वज़ीरे आला पाकिस्तान पंजाब का वज़ीरे आला उन्हें सोचना चाहिए समझना चाहिए कि असी बिजली वालों महकमा वापडा ये दसीए कि गरीबा तो इन्ना वड्डा जुल्म ना करन, इस तरह करे तो ये गरीब हूँ इस तू ज़्यादा सड़क से निकलन गए तो इन्ह बिजली वालों की तो गरीबा की खुली मुखुली जंग होगी, इन्ह डांगा भी पवनगिया जोड़ा इतने आवेगा साढ़े मीटर लावन एक किकड़ी उस अज इवें नहीं होनी कि इन्हें बदमाशी या जगागिरी इस तरह चलेगी। अच्छा हूँ थोड़ू कितना बिल आया तो थोड़े यूनिट किन्ने चले ने? यूनिट वेखते पे जे 214 यूनिट ने तो मेरा 21,416 रुपये बिल ले गया जी। इस तरह के हमारे साथ एक भाई मौजूद थे, अभी हमारे साथ और भाई हैं, हम उनसे जानते हैं उनको कितना बिल आया और इजाफी बिल की वजह से वो सड़कों पे क्यों निकले। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई जान आपको कितने यूनिट आए और आपको बिल कितना है? भाई जान 241 यूनिट है और आपके सामने 50,000 का बिल है, 50,000 से ऊपर ही है। तो हम ये बताएं कि हम 1,000 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले हैं, हर रोज़ की कभी लगती है कभी नहीं भी लगती, तो हम ये बिल कैसे अदा करें? अपनी बीवी बच्चों की रोटी रोजी हम इसमें पूरी करें या वापडा वालों का बिल पूरा करें? तो हमसे तो ये नहीं होता, हमने तो इनको जलाना ही है। वापडा वाले हमारे मीटर उतार के यहाँ से दिखाएं, तो हमने तो मीटर भी नहीं उतारने देना ना, हमने बिल पे करना है क्योंकि इतने हम गरीब बंदे इतना बिल हम कहाँ से पे करें? हमने तो नहीं पे करने। आप गाँव मड़ा शरीफ से हैं, हम कह रहे हैं कि हम इधर जो है ना आग लगा देंगे इन बिलों को और पे नहीं करेंगे। अच्छा हुकूमत पाकिस्तान को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत पाकिस्तान को पैगाम ये है कि हमारे हाल पर रहम करें, हमसे ये कुछ बदला दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये? आप खुद ही देखें 241 यूनिट से 50,000 पे बिल मैं कहाँ से पे करूँ? मैंने तो नहीं करना। ये हुकूमत को बस यही पैगाम है कि हमारे हाल पर ये जो है ना रहम करें और हमारे बीवी बच्चों पर रहम करें, हमने इतना बिल नहीं पे करना, मेहरबानी आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बाबा जी तुसी आज सड़कां ते निकले ने बिजली दे इजाफी बिलों की वजह तो थानू कितना बिल आया? तो 50,000 रुपया मैंने भी बिल आया, असीं कित्थों भरीए कित्थों पे करिए, बीवी बच्चों का खर्चा पूरा करिए, जे वापडा वाले ने बिल दिए। साडी अपील है वज़ीरे आज़म पाकिस्तान नूं, वज़ीरे आला पंजाब नूं, साडी अपील है मेहरबानी करन ते इन्हां वापडा वाले नूं जरा उन्हां ते थोड़ी सख्ती करन ते साडे जिहड़े बिल ने बिल घटावण कट्टण, असीं कोई नहीं भरदे पे कोई नहीं। कितना बिल आया? बिल की कहड़ी गल तुहानू दसी है जी, बिल वाले तो अखीर हो भी है, गरीब असीं बंदे हैगे हैं, कोई शर्म तो आजा होना चाहिए था हुकूमत कोई जरिए जिन्हें शर्म नहीं, 1,000 रुपया से दिहाड़ी कमाने वाले हैं सिर्फ 1,000 रुपया, बाल बच्चों की रोजी पूरी करिए कि इन्होंने बिल भी पूरे करिए, वापडा की खुली बदमाशी है, ये साढ़े गरीबों वास्ते खुली बदमाशी हैगी है। उतो वेखो तुम उतो दौर कहो जो जा रहे, कहो जी सू हुकूमत मिली है, कहो जो साढ़े कैंडीडेट है, कोई गरीबों का एहसास ही कौन नहीं है, हर वेले लुट मार वापडा वाले लुट मार, हर गल लुट मार, कोई चीज़ सस्ती है? गरीब आदमी किहड़े पास जाए, कित्थे जाए, उन्हें कोई है रहा कि पास निकले? इन्हें हुकूमत शर्म नहीं आती हैगी, या नहीं आता है कि गरीब आदमी किहड़े पास डिगे, इन्हें चु गैरत होनी चाहिए है कि असं इन्होंने कैंडीडेट चुने है तो इन्होंने यह काम नहीं है कि सू तबाह बर्बाद कर छ। 290 यूनिट है, 80,000 रुपया बिल आया पे,
मैं गरीब आदमी हाँ, एक बल्ब बलता है, एक मेरा पक्खा चलता है, कितों अदा करा मैं बिल, हज़ार रुपया मैं दिहाड़ी लैंदा, कितों अदा करा? इस हुकूमत को सोचना ही चाहिए साढ़े गरीबों के बारे में। जे नहीं साढ़े सोच सकते ये वैसे जंग करके मार सकते अल्लाह लगा रसला ये खुले हो गए बमन। ਵਾਪਡਾ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਲਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰਨ ਦਿਓ? ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਰ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੜੇ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਤ ਗੱਲ ਮੌਕੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ 17,500 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਜ਼ਾਫੀ ਬਿੱਲ ਹੈ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 25,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ 17,500 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੰਮ ਦਿਓਗੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ? ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਿਆਈ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਵੇਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਈ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ 4 ਮੀਟਰ ਨੇ ਜੇ ਚੌਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯੂਨਿਟ ਨੇ, 100-100 ਮਿਸਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100-100 ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਚੌਵਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ 100-100 ਯੂਨਿਟ ਸੜਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ 2,000 ਆ ਜਾਣਾ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ 5,000 ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਿਖਤ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬਿੱਲ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਡਾ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅੱਗੋਂ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਂ ਟੈਕਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਲਾਂ ਐਵਰੇਜ ਪੈ ਗਈ, ਫਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦਾ 100 ਯੂਨਿਟ ਸੜਿਆ ਉਹਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ 100 ਸੜਿਆ ਉਹਨੂੰ 2,000 ਆ ਗਿਆ, ਤੀਜੇ 3,000 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਮਿਸਾਲ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਸੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ 1,000 ਆ ਜਾਵੇ, ਦੂਏ ਨੂੰ 3,000 ਆ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ 2,500 ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ? ਟੈਕਸ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਵੋ ਲੋਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਨ ਕੋ ਇਜ਼ਾਫੀ ਟੈਕਸ ਆਨੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਕਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਨਕਾ ਯਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਯਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਂਗੇ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਯੇ ਜੋ ਸਲੂਕ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਇਸਕਾ ਹਮ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਂਗੇ, ਹਮ ਬਿਜਲੀ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਕਰਵਾਏਂਗੇ, ਔਰ ਯੇ ਜੋ ਇਜ਼ਾਫੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਇਨਕੋ ਖਤਮ ਕੀਆ ਜਾਏ ਤਾਂਕਿ ਹਮ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਤੌਰ ਪੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੇਂ ਔਰ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਤਾਮੁਨ ਕਰ ਸਕੇਂ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਹਮ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਕੋਈ ਤਾਮੁਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਪਡਾ ਕਹਿਲ ਕਰ ਹਮਾਰੇ ਗਾਉਂ ਆਏਗਾ ਹਮ ਉਨਕੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਉਨਕੋ ਮੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨੇ ਦੇਂਗੇ।